खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां बुकिया हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील डोकरी की अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मरसात मुतासरीन की बहाली के लिए आगाही दी गई। तफसीलात के मुताबिक बुकिया हाउस में साबिका एमएनए चीफ सरदार नज़ीर अहमद बुकिया साहिब की सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील डोकरी के जनरल सेक्रेटरी सरदार अली डिनो गाढ़ी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहसील डोकरी मोहम्मद जुम्मन बुकिया, तहसील डोकरी नायब सदर तालका डोकरी सिटी डोकरी सदर काजी जमील अहमद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शहमीन मेरानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील डोकरी सपाफ किसान यूनियन यूथ विंग और लेडीज़ विंग जियालों वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि मीटिंग में बरसात मुतासरीन की मालूमात हासिल की गई और उनके मसाइल सुने गए। मीटिंग के बाद बरसात मुतासरीन को कई राशन टेंट तरपाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा सपा किसान यूनियन यूथ विंग और लेडीज़ विंग जियालों और वर्कर्स को इनको पाबंद किया गया कि तमाम बरसात मुतासरीन में सामान तकसीम किया जाए। इस मौके पर चीफ सरदार नज़ीर अहमद बुकिया साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंशाल्लाह तमाम बरसात मुतासरीन को राशन टेंट पड़ताल और दीगर सामान दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोगों के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को एक नज़र से देखा जाएगा, वो भी मुतासिर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन हैं उन्हें भी एक ही नज़र से देखा जा रहा है कि वो भी मुतासिर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन बुकिया हाउस पर आए, इन्हें भी सामान दिया जाएगा।